एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम था 26 तारीख को, उस दौरान जो है प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया था पुलिस को कि जो है इस तरह की गड़बड़ी संज्ञान में आई थी। उसमें पुलिस ने जो है 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया था। उनमें से एक का नाम मोहम्मद इरशाद है, ये वाटर बॉय है, अस्थायी तौर पर काम करता है एमयू के अंदर। एक तारीख है, ये भी डेली वेजर है, एमयू का खुद का एम्प्लॉई है। उसके बाद में एक फिरोज आलम जो इसका मास्टरमाइंड है, और एक हैदर पुत्र केसर, इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी वो ये था कि यदि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में नहीं बैठता है तो उसकी टेबल से एग्ज़ाम के पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसको ये वाटर बॉय और ये तारिक जो है ये निकाल करके बाहर ले जाते हैं। ये फिरोज़ आलम और फराजा को देते थे, और इसी के पास की जो एक बिल्डिंग थी उसी बिल्डिंग में सॉल्वर गैंग बैठता था। वो जब जा करके क्वेश्चन पेपर जाता था तो उसको ये लोग इंटरनेट के माध्यम से और किताबों के माध्यम से सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे जो उनका एक ग्रुप बना था, एंट्रेंस के नाम से ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप पे इन्होंने उसकी आंसर शीट को डाल दिया था। उसके बाद में एक डीलिप की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी को यूज़ करते हुए इन लोगों ने जो है पेपर को आउट किया था। ये दूसरा घटनाक्रम था। इस दौरान हमने 4 जनों को पकड़ा है। 4 जने अभी भी जो है वांछित है, जिनकी गिरफ्तारी इनको करनी है। उनमें से 3 सॉल्वर गैंग वाले हैं और एक लड़की है जिसने इसका यूज़ किया। और इसके अलावा विवेचना अभी जारी है, इसमें जो भी और नए तथ्य हमको सम्मिलित करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे जो बरामदगी हुई है, इसमें जो मोबाइल का यूज़ किए गए हैं, मोबाइल 5 यूज़ में, जो क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो इनके पास से मिला है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है एमयू का। उसके बाद में जो आंसर शीट, जो कीज़ जो बनाई गई थी, वो हमारे पास में है। और उसके अलावा 23,316 रुपये लेते थे एक स्टूडेंट से पेपर देने का। इसके अंदर जो है ये तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये ले रहे थे, और इन्होंने 4 या 5 जो एंट्रेंस ग्रुप में 4 या 5 नंबर और हैं जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं कि वो नंबर किसके हैं, उनकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि उनको भी कीज़ जो है इन्होंने पब्लिश करी है वहाँ पर। राजा का प्रोफाइल मतलब क्या, ये कोई नेता है क्या है? नहीं, नेता नहीं है, एमयू का पूर्व छात्र है ये। सर, ये और बसपा का झंडा लगा हुआ था जो जिप्सी इसमें पकड़ी गई है, सफारी वो उसमें भी बसपा। नहीं, इसकी अब बाकी हम प्रोफाइलिंग चेक। सर, ये कब से एक्टिव था, एक्टिवेट था ये? मैंने आपको जो बताया है दूसरा पेपर, ये इस तरह से जो हमने अभी पूरी समीक्षा करी है, एक पेपर पहले डीलिप का हुआ था, उसको भी इन्होंने इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत में लीक आउट किया था। उसके बाद ये दूसरा जो एमबीए का पेपर है वो भी इन्होंने इसी तरह से लीक आउट किया। सर, इसके राजा के द्वारा भी कई मुकदमे चल रहा है, 307 वगैरह, उनमें भी जाँच होगी? देखिए, अभी मैं केवल आपसे जो पेपर लीक आउट हुआ उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी जितने भी इसके सब्सिडियरी केसेस हैं उस पर हम लोग बाकायदा काम करेंगे, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो लोग। सर, एमयू की वो तो उनका इंटरनल विषय है, वो आपको।